दूध लेने जा रहा हूँ। पीछे पहाड़ है। दूध आ गया? इनू रेड रेड वाला दे दो। एक पाले की बिस्किट। मैंने नहा लिया धो लिया है और अभी मैं पढ़ रहा हूँ हनुमान चालीसा। मंदिर में दिए जला लिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी इम्यूनिटी बहुत है, पसीने से आ रहे हैं। ये सब लोग बोल रहे थे कि अपना रूम दिखाओ, तो मैं अपना रूम दिखा रहा हूँ सबको कि मेरा छोटा सा रूम है। यहाँ से मेरा रूम स्टार्ट होता है। ये मेरा बैठक है, यहाँ बैठता हूँ मैं। जो भी स्टडी करनी है या अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे है। और सोने का भी यहाँ पे मेरा है। इधर मैं तकिया लगा के रात बिस्तर वहाँ पड़ा हुआ है, अब तो यहाँ बिस्तर लगा के सो जाता हूँ मैं ना। और ये मेरा स्विंग चेयर है ना। ये कूलर है, कूलर है या नहीं ये पता नहीं, मेरे को तो हवा लगी नहीं थी। ये मेरा छोटा सा, ये मेरा गैस है, इस पर मैं खाना बनाता हूँ। मेरा पानी का मटका है, यहाँ बर्तन है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, यहाँ पे जो कच्चा पट्टी है, और ये मंदिर का स्पेस है थोड़ा सा बनाया है। जगह छोटी है, सामान बहुत है मेरे पास। तो ये सब ऊपर, ये सब ये पड़ा है, कपड़े यहाँ पड़े हैं, धूप साइड में है। तो बस कुछ थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा फेवरेट एरिया है, मुझे बहुत पसंद है। सर्दी में अच्छा लगेगा बैठना, अभी क्या गर्मी में कूलर को एडजस्ट तब करके फिर मुझे ऐसा ऊपर आके बैठना पड़ता है। मैं अभी खत्म बालकनी में, ये बालकनी है, यहाँ मैं अपने कपड़े सुखाता हूँ। ये बाहर का सीन है। ओके, हवा खा रहा और इसके बिना आगे बैठे बिना तो काम चलेगा नहीं। और सब लोग मुझे काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि अपना रूम दिखाओ, तो मैं ये मेरा छोटा सा रूम है। और अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं पहले आउट ऑफ इंडिया था, महाराष्ट्र दुबई रहता था। तो ये मेरी फर्स्ट गर्मी है, मैं जो फेस कर रहा हूँ। और वाकई में पहले हम जब छोटे थे, हम यहाँ पे रहते थे, तो इतना गर्म नहीं लगता था। अभी जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ी है, यू नो, सुविधाएँ बढ़ी हैं, तो उस वजह से कहते हैं गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है मुझे लगता है। अब मेरे सामने वाली बिल्डिंग में एसी है, हर तरफ एसी लगा पड़ा हुआ है। और ये मेरा किराए का मकान है, तो ऑफकोर्स मुझे वो एसी लगा कर नहीं देंगे। तो देखते हैं, अभी जैसे जॉब लगती है तो फिर मैं कोई, अभी तो मैं राजस्थान में हूँ और मैं जॉब ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं कर रहा था अभी से। मुझे दो दिन पहले ही मैंने जॉब ढूंढना चालू किया है, एक डेढ़ दो साल से शायद मैं इंडिया में हूँ। सो ये मैं नोएडा दिल्ली सब जा सोचा था जो मिले, तो वो ट्राई करा था। तो बस वही है, कोशिश कर रहा हूँ जॉब हो जाए, नहीं तो मुझे वापस दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीज़ा है वहाँ पे 50% मैंने वीज़ा ली हुई है। और 6 महीने बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ती है, तो मेरा शायद ये महीना है, 20 दिन बाकी है। जो मिली ठीक है, नहीं तो वरना मुझे आगे बैक टू दुबई। और मेरा मन है कि मैं इधर ही रुक जाऊँ इंडिया में, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ मेरे लिए टमाटर गोभी कुछ पड़े, ऐसा कुछ नहीं। मैं, मेरे पेरेंट्स अभी नहीं थे, जो फैमिली लाइक सिबलिंग्स थे, लाइक जो ब्रदर सिस्टर है वो सब मैरिड है, अपनी लाइफ में सेट है, वो अपनी फैमिली में है। मैं अकेला हूँ, तो मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, मेरे तो एक ही बात रहेगी। सो बट यहाँ पे क्या है कि मुझे थोड़ा लाइफ को लाइव लगता है, हालांकि तकलीफ बहुत परेशानी मैंने यहाँ पर देखी है। और हो सकता है शायद जॉब मिलने के बाद अच्छा हो जाए, जॉब मिलने के बाद मैं अपना अच्छा घर ले लूँ, एसी बीसी का सब सब, मैं अच्छे से रहता हूँ, मेरी ऐसा नहीं रहता, मैं हमेशा अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात। सो तो वाकई में इस गर्मी बहुत है, काफ़ी एडजस्ट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जीजू बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया से, तो मेरी सिस्टर को चॉकलेट आए थे, तो मेरी सिस्टर ने मुझे चॉकलेट्स दिए ये। और हालांकि मैंने काफ़ी साल पहले, आई थिंक 2-3 काफ़ी सालों से मैं चॉकलेट खाना मैंने बंद कर दिया था, और पर अब देखिए चौथी खाने की। सो अब ये मेरी फेवरेट एम&M, मैं बहुत खाता था पहले वहाँ पे दुबई में। और ये M&M ये लेके आए मैंने एक, और ये चॉकलेट लाए। M&M तो आपको पता है जेम्स की तरह होती है, और एक ये लाए चॉकलेट है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है
आस्था स्वीट्स। सो मैं दिखाता हूँ कैसा है ये स्वीट्स है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है पिस्ता, ये पिस्ता स्वीट्स है ना, एकदम अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक ओ ये तो अच्छा लग रहा है, जैसे मैं ना मटका कुल्फी खा रहा हूँ और उसमें पिस्ता डाला हुआ है, सेम लाइक मटका, एकदम सॉफ्ट है। और जो टेस्ट आ रहा है इलायची पिस्ता और मटका कुल्फी के साथ मिक्स वो सब फ्लेवर्स का स्वाद आ रहा है। और ये लाए हैं कैपेचिनो लगे हैं, ये इसमें दूध उड़ाई जो कि गर्म पानी में ये डालना है और इसमें ये सब कॉफ़ी पाउडर है, तो ये मिक्स करके कॉफ़ी बन जाएगी। सो अभी ट्राई जब मैं बनाऊँ आपको दिखाऊँगा कैसे बनती है। और एक चॉकलेट ये ट्राई किया है, इसको खोल के देखते हैं कैसी है ना। आई थिंक वहाँ पे पिस्ता शायद उनका फेवरेट होगा वहाँ पे उन लोगों का इलाके से, तो वहाँ से ये पिस्ता स्वीट्स। और ये आलू पड़े हैं, टमाटर को पता है 50 रुपये किलो हो गए इंडिया में, ये ऐसे मरीले टमाटर ये 50 रुपये किलो हो गए हैं, नहीं हो गए यहाँ पे। और मेरे पास आलू है, और ये जो खीरा है ना ऐसा गंदा सड़ाना खीरा, ये भी 50 रुपये किलो है। मैं इसमें ये राइस कुकर में तो मैंने रख दिया राइस बनाने के लिए, है ना। और अभी मैं पराठा में करूँगा दूध गर्म, क्योंकि दूध फट जाता है मेरा ना, बहुत बार दूध फट गया है। तो अभी से थोड़ा तेल में तेल डाल दिया, उसके ऊपर पराठा काट के डाले, अभी इसमें डालूँगा नमक हल्दी और मिर्ची। दूध तो गर्म हो गया, मैं सब मिक्स कर दिया, अपना बनता रहेगा। अभी इसमें अभी इसको मैं दो पे एक होता हूँ ताकि गले नहीं, तो डीप फ्राई होता रहे। और इसको कवर कर, अभी अपना बनता रहेगा, इसका भी अपना, यह भी अपना बनता रहेगा। जब ये कुक हो जाएगा ना तो ये अपना भी ऑटोमेटिकली ये एम पे आ जाएगा। तो वो भाई सही मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया है पानी में। ये देखो पहाड़ है, तो बारिश हो रही हेलो फ्रेंड, मैं बारिश में भी नहा लिया और यहाँ पे मैं चाय बन रही है। और ये चाय पीने के बाद मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद मैं भी देखूंगा डोरेमोन देख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, अब मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं भी चाय पीऊँगा और फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय।